हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस बीच चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी यूजी पीजी 2020 के बारे में, यानी कि सीएलसी राउंड के एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बी बीकॉम बीएससी और एमएएमकॉम एमएससी का जो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, उसका सीएलसी राउंड भी समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, एमएएमकॉम एमएससी का सीएलसी राउंड स्टार्ट हो चुका है 30 सितंबर को। और दोस्तों, 29 सितंबर को जो है हमारा बीए बीकॉम बीएससी का सीएलसी राउंड समाप्त हो चुका है, सेकंड राउंड। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, थर्ड राउंड सीएलसी राउंड स्टार्ट होता है। और थर्ड राउंड जो कि स्टार्ट होने वाला है हमारा बीए बीकॉम बीएससी का 1 अक्टूबर से, जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि मैं आपको वीडियो से बता चुका हूँ, और 7 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसी बीच दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन है कि सीएलसी राउंड या हम कह सकते हैं थर्ड राउंड, या हम कह सकते हैं सीएलसी राउंड या हम कह सकते हैं थर्ड राउंड, बात एक ही है दोस्तों। तो दोस्तों, सीएलसी राउंड या थर्ड राउंड में हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा या नहीं करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको बिलीव हो सके। तो दोस्तों, जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर आप टिक करते हैं समय सारणी विवरण पर। जब आप टिक करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पर दिखाई देता है मेरिट लिस्ट एट कॉलेज, अलॉटमेंट एस्पिरेंट्स रीप्रिंट अलॉटमेंट लेटर, और ऑनलाइन पी सबमिट, यानी कि 3 ही लिंक यहाँ पर आपको शो करती हैं। कितनी लिंक शो करती हैं आपके सामने, 3 लिंक शो करती हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। अगर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया होता तो यहाँ पर क्लियर लिखा रहा होता न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसा कि सीएलसी सेकंड राउंड में लिखा गया था। जब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर लिखा था कि रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसमें लिखा था रजिस्ट्रेशन होगा 24 सितंबर से। लेकिन अब क्या है दोस्तों, इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि हम सीएलसी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे तो लिस्ट कैसे बनेगी दोस्तों? तो जिन कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था, जो पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, केवल उन्हीं की मेरिट लिस्ट बनेगी, और किसी की भी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, और ना ही किसी का एडमिशन होगा। केवल जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, केवल उन्हीं का जो कि नाम आएगा कॉलेज में। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो नाम कब आएगा, कैसे आएगा, वो आएगा हमारा 1 अक्टूबर को। कब स्टार्ट हो जाएगा हमारा? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में चलने वाला है। तो 1 अक्टूबर को हमारी जो मेरिट लिस्ट की जो लिंक है, वो 12 बजे एक्टिवेट कर दी जाएगी। क्योंकि क्या हुआ था, पिछली बार भी जो लिंक है वो थोड़ा लेट हो गया था सर्वर इशू की वजह से, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो इस बार भी जो 12 बजे तक हमारा मेरिट लिस्ट आ सकता है, मैं आपको वीडियो से अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। मेरी आपको पता है कि तबीयत खराब, इसीलिए से मैं आपको अपडेट करने में थोड़ा क्योंकि टाइम लगता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको अपडेट करता रहूँ। तो दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन संबंधित जो भी आपका डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चॉइस प्लिंग के बारे में, कि चॉइस प्लिंग करना होगा या नहीं करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी चॉइस प्लिंग भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे आप, और ना ही आप चॉइस प्लिंग कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आप चॉइस प्लिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन होगा तो चॉइस प्लिंग होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चॉइस प्लिंग का भी यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है आप चॉइस प्लिंग भी नहीं कर पाएंगे। आपने जो चॉइस प्लिंग पहले कर चुके हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो चॉइस प्लिंग कर चुके हैं, केवल 1 अक्टूबर को उन्हीं कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनने वाली है, और किसी की भी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। मेरिट लिस्ट एट कॉलेज, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो हमारे कॉलेज से बनेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे कॉलेज से मेरिट लिस्ट बनेगी। अभी कॉलेज से कैसे बनेगी, इसके बारे में आपको प्रॉपर वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। तो आप बस SBE चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना है, और वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर। अब दोस्तों, छोटा सा और मैं बात बता दूँ, अब एक और डाउट में क्लियर कर दूँ, रजिस्ट्रेशन हमको नहीं होगा, चॉइस प्रिंग हमारी नहीं होगी, ठीक है। इस दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। सेकंड राउंड में, सॉरी सीएलसी थर्ड राउंड में हमारा ना तो रजिस्ट्रेशन होगा, ना ही हमारी चॉइस प्लिंग होगी। केवल क्या आएगी, हमारी मेरिट लिस्ट क्या आएगी दोस्तों? केवल हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब एडमिशन कैसे होगा, इस प्रोसेस का मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे क्या है सभी दोस्तों को पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो, क्योंकि आप फॉलो नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे क्या है जल्दी से हमारे जो कि 1K फॉलोवर्स कंप्लीट हो सकें, जल्दी से हमारे 1K फॉलोवर जल्दी से कंप्लीट हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी दोस्तों में इसके बारे में एडमिशन संबंधी सारी जानकारियाँ मिलती रहें, ओके। वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।